हेलो दोस्तों, मैं माला चटर्जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बप्पा के लिए, गणपति बप्पा के लिए भोग। वो है सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए देखिए, ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इसमें मुझे घी डालना है, 4 चम्मच घी जाएगा। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, 4 चम्मच घी गया। अब मैं इसको इस तरह से रख दूंगी। अभी अगर मुझे बाद में लगे तो अब मैं इसको ड्राई फ्रूट को सर्व करके आ रही हूँ। अभी तेल दिया है, ये देख लीजिए, घी। ये मेरे घर का बना हुआ घी है, ये मैंने दिया हुआ है। अब इसमें मैं धीरे धीरे करके काजू दूंगी, इसको भूनना है। काजू, किशमिश और ये सब एक साथ ही दे करके मैं हल्का सा फ्राई करके ये देखिए, मुझे इस तरह से उठा लेना है। इसमें नहीं डालूंगी मैं, इसी में डालूंगी, ये भोग जाएगा इसमें, इसी में मैं उठा लेती हूँ। मैं इसमें ये देखिए सौंफ दूंगी, मोटी वाली सौंफ है, इसको दे दूंगी, तेज पत्ता दूंगी और ये छोटी इलायची, हरी इलायची मैंने कूट के रखी है, इसको दे दूंगी। देने के बाद अब इसे थोड़ा सा एक कप मैंने सूजी लिया हुआ है, अब मैं इसको सूजी को डाल दूंगी। इसको भी थोड़ा सा भून लेना है। थोड़ा सा मुझे ये मेरा हो गया है। अब मैं से वन कप मैंने सूजी लिया था, 1/3 कप मैं ये दूंगी चीनी। देखिए 1/3 कप है ये, मेरा मेल्ट हो जाए के बाद मैं ये सब मेरा धुला पुसा है, सब मैं साफ करके ही करती हूँ। और ये मेरा भगवान को ही दिया देने वाला बर्तन है। इसमें एक केला जाएगा, देखिए केले को मैंने बारीक काट लिया है और इस तरह से छोटा सा केला है, एक केले को दूंगी ये आपको दिखाने के लिए। एक केला मैंने काट के रखा है, बारीक काट के रखा है, ये देखिए बहुत ही बारीक काटा हुआ है। अब मैं केले को दे दूंगी, केले भी मेल्ट हो गए, हो जाएगा एकदम मिक्स हो जाएगा इसमें।
देखिए चीनी केला सब मिक्स हो गया है, एकदम फुल्ली मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें एक कप दूध डालूंगी, ये देखिए एक कप पूरा दूध मैं डालूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें हाफ चम्मच करीब घी डालूंगी। ये देखिए हाफ चम्मच करीब है। ये हो गया, अब मैं इसे भगवान के जी के इसी में मैं भोग लगाऊंगी, तो इसको मैं थोड़ा सा दे रही हूँ। अब भोग में देने के लिए ऊपर से अलग से दूंगी। इसको मैं इसी मेजरिंग कप में रख के फिर इसको गार्निश के लिए इसको दूंगी। ये देख लीजिए ये देखिए गणू बाबा का हलवा। ओके अगली रेसिपी पे चढ़ा के फिर आऊंगी। मेरे नेवर्स के यहाँ है बगल में एकदम, तो मैं चढ़ा करके फिर आ रही हूँ दूसरा आइटम बनाने के लिए।